हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। तांडव को लेकर तांडव मचा हुआ है। वेब सीरीज के जो मेकर्स हैं और जो उसके कलाकार हैं, उनके खिलाफ अलग अलग जगह पर केस दर्ज किया गया है। खबरें ये भी आ रही हैं कि पुलिस अब तांडव के मेकर से, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और कलाकारों से पूछताछ कर सकती है कि इस पूरी वेब सीरीज को लाने के पीछे आपका मकसद क्या था। हालांकि जो फिल्म के डायरेक्टर हैं अली अब्बास जफर, वो पहले ही माफी मांग चुके हैं। उन्होंने कहा है कि किसी की भी भावनाओं को आहत करने का हमारा मकसद नहीं था, लेकिन अगर ऐसा हुआ है जाने अनजाने तो हम उसके लिए माफी मांगते हैं। माफी मांगने के बाद भी फिर अली अब्बास जफर ने अब ये फैसला लिया है कि वो जो विवादित सीन है उसको वेब सीरीज से हटा दिया जाएगा। यानी कि जो पहले एपिसोड के 17वें मिनट पर जो सीन आता है जिसमें जीशान अयूब शिवजी का रोल अदा कर रहे हैं, मंच पर खड़े होकर कहते हैं, मतलब कुछ इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिसको लेकर ये पूरा विवाद हो रहा है, उस सीन को हटाने का ऐलान अली अब्बास जफर ने किया है। और इस बात की जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि बिना किसी शर्त के माफी मांगने के बाद भी जब बवाल नहीं थम रहा है तो फिर हमने ये फैसला लिया है। ट्वीट करते हुए अली अब्बास जफर ने क्या लिखा है, मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ। हम देश के लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हैं। हमारा किसी भी व्यक्ति, जाति, समुदाय, नस्ल, धर्म या धार्मिक विश्वासों की भावनाओं, किसी संस्था, राजनीतिक दल या फिर व्यक्ति का, जीवित या मृत का, भावनाओं को आहत करने का इरादा नहीं था। तांडव की कास्ट और क्रू की तरफ से व्यक्त की गई चिंताओं को संज्ञान में लेते हुए वेब सीरीज में बदलाव करने का निर्णय लिया गया है। हम सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को इस मामले में मार्गदर्शन करने और समर्थन देने के लिए धन्यवाद करते हैं और एक बार फिर हम माफी मांगते हैं अगर किसी व्यक्ति की भावनाएं आहत हुई है। तो इस ट्वीट से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेकर्स बैकफुट पर तो हैं, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अब क्या करें। माफी मांग ली, सीन को हटाने का ऐलान कर दिया, लेकिन अभी भी अलग अलग जगहों पर मामला दर्ज किया जा रहा है निर्देशक के खिलाफ, निर्माताओं के खिलाफ, और आने वाले वक्त में पुलिस मेकर से पूछताछ भी कर सकती है। दूसरी तरफ इस पूरे मामले को अब पॉलिटिसाइज भी किया जा रहा है। कई ऐसे बड़े नेता हैं जो आगे आ रही हैं और इस पूरी वेब सीरीज पर तांडव मचा रही हैं। जैसे कि बीजेपी नेता हैं राम कदम, उन्होंने अली अब्बास जफर की निंदा की है। भले ही उन्होंने माफी मांग ली है, लेकिन फिर भी जो आलोचना है उसका दौर लगातार जारी है, वो कहीं ना कहीं खत्म नहीं हो रहा है। बता दें आपको, इससे पहले अली अब्बास जफर ने ट्विटर पर लिखा था, हम वेब सीरीज तांडव को लेकर दर्शकों की प्रतिक्रियाओं को बारीकी से उस पर निगरानी कर रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ सोमवार को एक मीटिंग के दौरान वेब सीरीज के विभिन्न पहलुओं और कंटेंट से लोगों की भावनाओं को आहत करने को लेकर काफी संख्या में शिकायत मिली है। और ये सोमवार को उन्होंने ट्वीट किया था और मंगलवार को उन्होंने ट्वीट करके ये बता दिया कि सीन को हटा दिया जाएगा वेब सीरीज से। अब आप बताइए कि माफी मांग ली है, सीन को हटाया जा रहा है, अब भी जो तांडव पर बवाल मचा हुआ है वो मचना चाहिए या फिर नहीं। इस पूरी खबर को लेकर आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं।